हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हमारा मम्मी का घर में आखिरी दिन था और अभी हम लोग सब निकल रहे हैं बैग वेग टांग से, और इधर मेरी बहन लोग हैं, सब लोग हाय करो। हाँ, तो सब लोग यहाँ पे है और हम लोग को छोड़ने के लिए आए। बैग वगैरह बहुत सारा है, बिन बुलाए मेहमान, और अभी हम लोग जाने का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेन है वो बिल्कुल 10 बजे का है, तो हमें 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। रानी, कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं बोल के बताओ? बहुत दुखी लग रहा है। दुखी लग रहा है, तुम बताओ कैसा लग रहा है? मतलब खुशी है ना, तुम बताओ कैसा लग रहा है? वो अभी तुम लोग चला जाएगा तो हमको बहुत बोरिंग लगेगा। तुम बताओ हम क्या, जल्दी बोलो, इसको खुश नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं। जल्दी बताओ हम लोग जाने का कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ये तो साथ और में जा ये और मैं हम लोग साथ में जा रहे हैं इसलिए इसका रिएक्शन है। और ये भी जा रही है, देखो तो क्या पहने का, क्या पहने राशि, क्या नहीं उसको पूछ रहा हूँ क्या पहने बता तो बोलो ना, बोलो ये क्या बोलते पता है? सारा रारा। ये भी है और मम्मी भी है, बहुत सारे। कौन कौन सा जा रहा है? आप भाई 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 साथ आप का ये सब फोटो खींच रहे थे, बहुत खींचे ना। जितना बोलेगा उतना ही फोटो खींचे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग बैठ चुके हैं टेकर, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, और हम लोग जितने भी आदमी थे वो एक में नहीं हो पाए, इसलिए पापा और दो ठू और हमारा मौसी का रिश्तेदार वगैरह कोई था, उनको एक अलग सा टेकर में आना पड़ा। और हम लोग यहाँ पर चल रहे थे, देखो काफ़ी रात को ऐसा लग रहा है, हुआ नहीं है, अभी करीब 7 ही बज रहा है, 7 अंधेरा है ना पूरा, वही रात जैसा होता है। हम लोग ना एक तो हम लोग बहुत जल्दी जाके बैठ गए थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग 1-2 घंटा पहले जाते हैं वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन कभी कभी छूट जाती है, क्योंकि हमारा जो यहाँ का पूरा रोड है वो थोड़ा सा कंजस्टेड है अभी, हालांकि बन रहा है इस वजह से हम लोग पहले चल जाते हैं। मौसी लोग सब है और बहुत ज़्यादा देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन। यहाँ में मम्मी बैठी हुई है, बहुत सारा सामान है, और यहाँ पे तीनों मौसी ग्रुप बना के इधर में चेला है। नाम पता नहीं तो क्या बोलेगा ना, वो नहीं नाम पता नहीं। इधर पप्पा है और इधर ट्रेन है, बोलो। हम लोग बिहार जा रहे हैं बस अरुणाचल प्रदेश से। हाँ, ये ईटानगर का ट्रेन है, देखिए कहाँ जा रहे हैं वो, कौन से गांव जा रहे हैं तो बताओ। हम लोग पटना सिटी जा रहे हैं, अपना बस्ती जा रहे हैं, और कहाँ जाएगा। हाँ, तो ये मेरी मौसी बता रही है कि पटना और सब लोग समस्तीपुर कोई कोई मतलब सब लोग उतरेंगे, और हाजीपुर भी जाना है, तीनों तीनों पटना में उतर जाएंगे। हाँ बोलो। नहलगुन से मैं जा रहा हूँ पटना, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, गांव अदलपुर। हाँ, पूरा फैमिली के साथ। हाँ, एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पापा पहली बार कैमरा में ऐसे बोले, वरना बोलते नहीं है। मम्मी तुम भी कुछ बोलो। बिहार जा रहा है। बिहार जा रहा है, क्या करने जा रहा है? ऐसे घर गांव है। हाँ जाना पड़ेगा। हाँ, गांव और घर है हमारा, इसलिए जा रहे हैं। तू भी बोल कुछ। तो मेरे मम्मी मौसी लोग सब लोग बहुत कुछ बोले हैं जो कि कभी ब्लॉग में बोलते नहीं हैं। आज बहुत अच्छा लगा ब्लॉग में सुनने का। और अभी हमारा ट्रेन जो है ओपन भी नहीं हुआ है, तो हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। जब हम लोग पहले रहते थे नाहरलगन, तो हमारा रेलवे स्टेशन सामने पड़ता था, पर अभी रेलवे स्टेशन दूर हो गया क्योंकि हम लोग ईटानगर चले गए। और हम लोगों ने दीदी की बेटी को, दीदी को बुलाया था कि मतलब ये गुलगुली को लेके आओ सभी को, तो दीदी लोग सब मना कर दिए कि नहीं आ रहे हैं। और बाद में अचानक से सरप्राइज़ मिला हमें, तो हम लोग इसको ठीक से उठा रहे, और ये पूरा नींद में थी, आग देख के पता चल रहा होगा, और ये सोच रही है हाई क्या हो रही है, और हम लोग सब इसको लेके खेल रहे हैं।
मेहमान कहाँ पा गए? वो अंकल, वो पापा, वो अंकल खुशी, एक बार स्माइल करो। ये पापा पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे। बाद में आएगा हाँ झगड़ा करने के लिए। गुलगुली गुलगुली, ए ए इधर इधर। यहाँ पे हम लोग आते ही बैठ चुके थे ट्रेन में, मगर हम लोग साथ ही बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मिला हमें सीट वगैरह, और काफ़ी लोग थे तो हम लोग सो गए थे। उसके बाद मैं करीब 8 बजे उठ के और नीचे आ गई, क्योंकि मुझे मिडिल वाला मिला था सीट। तो नीचे आने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये आई थिंक पता नहीं कहाँ का है, पर शायद न्यू जलपाईगुड़ी का आसपास का ही होगा, क्योंकि मैं पूरा नींद में थी तो उठ के फटाफट रिकॉर्ड किया मैंने। और यहाँ पे मैं बैठ के मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी भी है और यहाँ पे मौसी भी आ गई थी। मौसी का सीट अलग बोगी में था, पर मौसी आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है रस। तो आप लोग सोच रहे हो क्या का डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है। यहाँ के जितने भी टेम्पू वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, मतलब 2600 बरौनी से लेके हम लोग का पटोरी तक का, तो काफ़ी महंगा है। जैसे कि मम्मी लोग आती हैं तो उनको पता होता है कि इतना नहीं लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग बैठ चुके हैं, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद 1500 में लोग मान गए और बोला कि चलो। तो हम लोग 1500 में सारे लोग जा रहे हैं। नानी नानी हाय करो, तो ऐसे करो हाय। वो अपने पहले जैसा, जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग सब साथ में आए हैं मौसी लोग, तो मौसी लोग नानी के घर जा रहे थे और हम जो जा रहे थे हम अपने घर जा रहे थे। तो मैं सोच, पहले जब आई थी मैं बहुत साल पहले, तो ये बहुत कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पे घर बन गया। तो मैंने पूछा ये किसका घर है, तो जो हमारी मामी हैं उनका घर बन रहा है, बहुत ही खरूस मामी है। तो हम लोग उनसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं वैसे, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घर वगैरह। मम्मी लोग भी घर देख रहे हैं कि अच्छा अभी बन गया, इतना इतना बन गया। तो हम लोग देखने के बाद फटाफट हम लोग निकल गए, क्योंकि हमारा जो टेम्पो वाले अंकल थे वो बोले कि हम, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, मुझे कहीं और भी जाना है। तो हम लोग जस्ट गए और नानी से मिले, और नानी से मिलने के बाद में हम लोग फिर चले गए। और हमारी नानी ने हम लोग के लिए खाना बनाया था, तो हम लोगों को पैक करके दे दिया। तो हम लोग पैक करके लेके चले गए और घर ले जाके फिर उसको खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकने का ज़्यादा टाइम था ही नहीं। और ये मेरा नानी का घर है जो कि अभी काफ़ी पुराना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब नाना लोग थे तभी उन्होंने ये घर बनाया था, अभी का नहीं है ये घर। अगर दिन होता तो मैं और अच्छे से दिखाती, और अभी दिन नहीं है इसलिए अंधेरा में सारा सामान इधर उधर है। और यहाँ पे मौसी लोग सारा अपना सामान अंदर फटाफट घुसा रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रही है बहुत तेज़ की बारिश, पर इतना भी नहीं है, पर बैग वगैरह भीग जाएगा इसकी वजह से हम लोग। और यहाँ पे भी अंधेरा है नानी का जो भी पानी सिस्टम है। और हम लोग यहाँ पे रुके तो हम लोगों को कुछ आलू भी मिला खाने को। अब हम आ चुके हैं अपने घर। पकड़ो
ये कहे तुम्हारी।